संबंध में अभी पुनः अभियान कल से शुरू होगा और इसके तहत कुल 6 टीमें बनाई गई हैं और इन टीमों के माध्यम से जो क्षेत्र अतिक्रमण अभियान में बचे रह गए थे वहाँ पर इसका कार्य किया जाएगा और इसके अतिरिक्त 2 फॉलोअप टीम रहेगी जो कि पुनरअतिक्रमण के मामलों को देखेगी और वहाँ उसको सुव्यवस्थित करने का और हटाने का, ऐसे अतिक्रमणकारी हैं उनको हटाने का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी सड़क के किनारे या फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाते हों या फिर अतिक्रमण किए हुए हैं उनके विरुद्ध फाइन भी किया जाएगा और ऐसे अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा जो नगर निगम के द्वारा गलत रूप से निर्माण के रूप में चिन्हित किए गए हैं, उन सभी अतिक्रमणों को हटाने का कार्य किया जाएगा। इसमें जैसा कि आप अवगत हैं कि जो निघार ब्लॉक रेलवे लाइन है उसका स्थानांतरण पथ निर्माण विभाग को किया गया है, उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान चला करके वहाँ बड़ी संख्या में अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। अब जो अतिक्रमण थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो अस्थायी नेचर के हैं, कुछ स्थायी के नेचर के हैं जिसके विरुद्ध कार्रवाई जो है कागजात की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और जैसे ही सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने में कई जगहों पर कठिनाई है, कुछ नाले हैं जिसके कारण वहाँ पर पहुँचने में कठिनाई है, तो उसके जैसे ही उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा रास्ता बना करके और निर्माण कार्य जो भी अतिक्रमण है उसको हटाने का कार्य किया जाएगा। सर, पटना नगर निगम में मछली को प्रतिबंधित कर दिया है, क्या जुर्माना है, किस तरह की तैयारी? ये अभी जो आदेश प्राप्त हुआ है उसके आधार पर सभी लोगों को, सभी जो पदाधिकारी हैं शहरी क्षेत्र में उनको यह निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का अनुपालन करें और उसके अकॉर्डिंगली आगे जहां भी इंस्टेंसेस पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।